Good morning to all the students. I hope you all are safe and fine. Today we are studying lesson number 6 of your science book. Our today's topic is chemical change. In the previous class, we have studied about फिज़िकल चेंज लास्ट क्लास में हमने फ़िज़िकल चेंज के बारे में स्टडी किया था और हमने सीखा था एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी न्यू फॉर्मेशन नहीं होता उसे हम फिज़िकल चेंज कहते हैं दैट मीन्स फिज़िकल चेंजेस जो हमने पढ़े थे वो सारे चेंजेस रिवर्सिबल थे आज हमारा टॉपिक है केमिकल चेंज दैट मीन्स एक ऐसा चेंज जिसमें ऑलवेज कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस ज़रूर बनता है ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं जिस तरीके से फिजिकल चेंज रिवर्सिबल थे इन द सेम वे केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स में हम पढ़ेंगे कि कोई भी चेंज को वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता फॉर एग्जाम्पल बेकिंग ऑफ चपाती हम आटे से रोटी बनाते हैं रोटी की हम बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं ट्रायंगुलर शेप सर्कुलर शेप स्क्वायर शेप सर्कल को हम छोटा भी कर सकते हैं सर्कल को स्ट्रेच करके हम बड़ा भी कर सकते हैं तो ये सारे एग्जांपल्स थे हमारे फिजिकल चेंज के लेकिन एक बार अगर हमने रोटी को गैस पर पका दिया या उसको फ्राई करके उसको पूरी बना दी तो वो रोटी दोबारा से आटे में कन्वर्ट नहीं हो सकती वो रोटी अब पक चुकी है केमिकल चेंज का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा बॉइलिंग ऑफ एग इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक एग है जो हमने कच्चा जो हमें कच्चा एग नज़र आ रहा है रॉ एग है ये ये जो हमारा कंप्लीट एग है जो कम्पलीटली वाइट है ये हमारा रॉ एग है कुछ देर बाद जब हमने उसको बॉइल किया तो ये बॉइल्ड एग भी कन्वर्ट हो गया अब अगर हम एग से कुछ भी बना रहे हैं एग का हम ऑमलेट बना रहे हैं एग की कोई सब्जी बना रहे हैं एग की करी बना रहे हैं या एग को हम बॉईल कर रहे हैं तो किसी भी फॉर्म में हमारा जो एग है वो वापस से कच्चा एग नहीं बन सकता हमारा एग एक बार जब कुक हो गया तो हम दोबारा से उसको रो एग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हमारा एग अब चेंज हो चुका है कुक हो चुका है राइट तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का नेक्स्ट आता है हमारा बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स दिवाली पर हम बहुत सारे क्रैकर्स बर्न करते हैं बहुत खुश होते हैं राइट right? क्या हमने कभी सोचा कि जो क्रैकर्स हमने एक बार बर्न कर दिए हम उसको दोबारा बर्न क्यों नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर दिवाली पर हम न्यू क्रैकर्स लाते हैं न्यू बर्न करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर और न्यू क्रैकर्स लाते हैं वो बर्न करते हैं तो क्रैकर्स का बर्न होना क्या हुआ फिर क्रैकर्स का बर्न हुआ केमिकल चेंज क्योंकि एक बार जो क्रैकर बर्न हो गया उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते क्यों क्योंकि उसने हमें हीट दे दी उसने हमें लाइट दे दी उसने हमें साउंड भी दे दिया है ना उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई अब वो क्रैकर बर्स्ट हो चुका है एक बार बर्स्ट होने के बाद क्रैकर को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते दिस इंडिकेट्स दैट बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स इज़ अ केमिकल चेंज राइट right? अब हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है क्या डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज में इसकी टेबल आपकी बुक में भी गिवन है और एक टेबल मैं भी आपको बता रही हूँ बोथ आर सेम फर्स्ट वन इज नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड फिजिकल चेंज में कोई भी सब्सटेंस न्यू फॉर्म नहीं होता अगर आपने पेपर को टीयर किया तो वो फटा हुआ पेपर भी पेपर ही कहलाता है और जब हमने पेपर को टियर नहीं किया था तो भी वो पेपर ही था लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस हमेशा फॉर्म होता है अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया तो आप उस पेपर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अब पेपर ऐश पे कन्वर्ट हो चुका है सेकेंड डिफरेंसेस प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम फिज़िकल चेंज में उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ कभी भी नहीं बदलती लेकिन केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें कम्प्लीटली किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं जैसे कि किसी में लाइट प्रोड्यूस हुई किसी में हीट प्रोड्यूस हुई किसी में साउंड प्रोड्यूस हुई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं और को कभी भी हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट वापस नहीं आता इसीलिए हम इन्हें केमिकल चेंज बोलते हैं लास्ट डिफरेंसेस फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल फ़िजिकल चेंजेस को आप वापस लेकर आ सकते हो लेकिन केमिकल चेंजेस को आप वापस नहीं ला सकते इसीलिए हम इसके लिए बोलते हैं दे आर इरिवर्सिबल तो ये है हमारे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज अब एक क्वेश्चन अगर आप सोचिए दिमाग में कि कैंडल का बर्न होना फ़िज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है अब इसको अगर आप डिफरेंट डिफरेंट दो बातों से देखेंगे दो एंगल से सोचेंगे तो कभी आप सोचेंगे नहीं नहीं ये तो फिज़िकल चेंज है क्यों क्योंकि हमारा जो वैक्स है जब वो मेल्ट होता है और कैंडल के नीचे आके टपक जाता है तो दोबारा से वो सॉलिड बन जाता है दैट मीन्स लिक्विड दोबारा सॉलिड बन रहा है और उसी सॉलिड को दोबारा से हम लिक्विड बना सकते हैं तो तो ये फ़िज़िकल चेंज है लेकिन अगर आप सोचो कि कैंडल एक बार अगर आपने टेन सेंटीमीटर की के कैंडल ली और उसको टेन मिनट्स के लिए बर्न किया तो वो कुछ देर के बाद कैंडल की जो हाइट है वो छोटी हो जाएगी और उसकी जो विक है विक मीन्स उसका जो धागा है जो उसका थ्रेड है वो बर्न हो जाएगा कैंडल की हाइट भी छोटी हो जाएगी कैंडल ने हमें हीट भी दी कैंडल ने हमें लाइट भी दी तो इस हिसाब से तो हमें इसको केमिकल चेंज बोलना चाहिए है ना तो कैंडल के बारे में जब भी हमने सोचा हमें दोनों ही तरीकों से इसका आंसर मिला दैट मीन्स बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज राइट